नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बड़ी खबर यह है कि जेएनयू में अब भगवा लहराएगा। बड़ी खबर ये आ रही है, जेएनयू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करेंगे और वहां के छात्रों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहां पे स्वामी विवेकानंद की बड़ी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। एक बड़ी तैयारी चल रही थी 2-3 सालों से और लगभग अब वो पूरी हो चुकी है। वहां पे जिस तरीके से भगवा का विरोध किया जाता रहा है, जेएनयू में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां होती रही हैं और एक विचारधारा को लगातार दबाने का प्रयास किया रहा, जिस तरीके से कम्युनिस्टों ने लगातार प्रहार किया है वहां पे जो राष्ट्रवादी विचारों पर, अब उसके उस पर एक करारा प्रहार आज होगा। और आज जो तैयारी चल रही है वो तैयारी इसी चीज की है। आपको बता दें कि 2005 से तैयारी चल रही थी कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई जाए और भव्य मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो कि भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो भारत को विश्व में एक सम्मान दिलाने की का प्रयास किए थे, उन्हीं की मूर्ति जिनसे लगा लोग सीखते हैं, एक मार्गदर्शन के रूप में उनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब उनकी मूर्ति का वो समय आ गया है कि अब उनकी मूर्ति जेएनयू में लगेगी और जेएनयू के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आपको बता दें कि जेएनयू में जो राष्ट्रवादी जो संगठन है, छात्र संगठन है और जो अन्य विचार के लोग हैं जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उन सब की मांग थी कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, बड़ी मूर्ति लगाई जाए, और उसका आज समय आ गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे तैयारी की जा रही है और किस तरीके से क्या रहा है, इस मूर्ति का इतिहास क्या रहा है और क्यों यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है और ये बड़ी खबर आपके लिए क्यों है। तब तक के लिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट करते रहिए कि जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा लगने से आप खुश हैं या नहीं, और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम आपको खबर तक ले चलते हैं कि पूरी खबर क्या है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊँची बनाई जाएगी। जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी हुई है। अब उसके बाद वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य जो छात्र संगठन हैं जो कि राइट विंग के लोग हैं, उन सब की 2005 से ही मांग थी कि वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद की भी प्रतिमा लगाई जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद आप सबको पता होगा कि हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं और वो महापुरुष हैं जो अमेरिका में या पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया और जिन्होंने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई हिंदुत्व की, हिंदू संस्कृति की। चूंकि भारत हिंदू बाहुल्य देश है और भारत की जो कल्चर रहा है वो हिंदुस्तान का कल्चर हिंदुत्व का ही रहा है। पुराना इतिहास बहुत बड़ा रहा है हिंदुओं का। और उसके बाद जो विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी उन सब के मार्गदर्शक माने जाते हैं। विवेकानंद जी की मूर्ति लगाना ये वहाँ के छात्रों का संकल्प था और लगातार वहाँ के छात्र ये मांग कर रहे थे। 2005 से ही उन्होंने उस समय के कुलपति से मांग की थी कि स्वामी विवेकानंद की भी मूर्ति लगाई जाए जेएनयू परिसर में। आपने 1-2 साल पहले ये भी घटना सुनी होगी कि छोटी मोटी मूर्तियाँ कुछ लगी भी थी, लेकिन वहाँ के वामपंथियों ने जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद वो अभद्रता किए और वो अभद्रता सबके सामने भी आई थी। उसके अलावा जिस तरीके से जेएनयू में विदेशी मुल्कों का, खासतौर से कम्युनिस्ट जो राष्ट्र हैं उनका उनको बढ़ावा दिया जाता है और कम्युनिस्ट नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है और खासतौर से कम्युनिस्ट विचार के लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, आप सबको पता होगा। आप सबने देखा है कन्हैया कुमार को के पर कैसे केस चल रहे हैं और कन्हैया कुमार और उनकी टीम कई लोग लड़कों ने जिस तरीके से भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए और जेएनयू में और भी देश विरोधी गतिविधियां चलती रहती हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है, मोदी संबोधन करेंगे वहाँ के छात्रों को, उन्हीं सब विचारों पे कड़ा प्रहार है और प्रयास है कि ऐसे विचार विश्वविद्यालय में पनपने न पाएं। क्योंकि ये विचार
ये विचार राष्ट्र के लिए नासूर हैं, राष्ट्र के लिए जहर की तरह हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम नहीं करते। ये वही विचार हैं जो लोगों को देश की कमियां तो बताते हैं लेकिन उन कमियों को खूबियां बताने में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। ये कभी भी देश की खूबियां नहीं बताते हैं और देश कैसे विकास करे, देश कैसे तरक्की करे और लोगों में कैसे सद्भावना हो, इसका इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये जेएनयू में बैठकर रणनीति बनाते हैं। ये कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जेएनयू में, छात्रों के अलावा कुछ प्रोफेसर भी हैं जो रणनीति बनाते हैं किस तरीके से देश के लोगों को विभाजित किया जाए और उन पर राजनीति करके उनका फायदा उठाया जाए। ये चीन परस्त लोग हैं, पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो आप सबको पता होगा कि चीन कम्युनिस्टों का गढ़ है और चीन से ही इनके फरमान चलते हैं। इनकी विचारधारा देश को तोड़ने के लिए जिस तरीके से दीमक की तरह जिस तरीके से देश में काम कर रही थी और भारतीय शिक्षा नीति में जिस तरीके से इनका बोलबाला रहा है, उसके बाद जब अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि किसी ऐसे विचार जो विचार देश तोड़ने का काम करता है उसको बढ़ावा न मिलने पाए और वो जिस तरीके से छात्रों के दिमाग में कुंठित करने का प्रयास कर रहा है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में जिस तरीके से घुसने का प्रयास कर रहा है, दीमक का काम कर रहा है, उसको रोकने का ये प्रयास है। उसी के तहत पीएम मोदी गुरुवार को यानी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उनका लक्ष्य क्या है आपको पूरी न्यूज हम आपको बताते हैं। प्रतिमा के अनावरण से पहले स्वामी विवेकानंद पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जेएनयू के पूर्व छात्रों के सहयोग से स्थापित यह प्रतिमा 11.5 फीट है यानी कि 11.5 फीट प्रतिमा है। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 3 फीट ऊंचा चबूतरा भी बनाया गया है और इन दोनों को मिला दें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति लगी हुई है विश्वविद्यालय परिसर में उससे यह प्रतिमा लगभग 3 फुट ऊंची हो जाएगी। 2005 में इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था लेकिन उस वक्त वहाँ पे जो कुलपति थे और जो आप सबको पता होगा कि देश की जो कांग्रेस तत्कालिक सत्ता थी, कांग्रेस का शासन था, वो कभी नहीं चाहती है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले, हिंदुत्व को बढ़ावा मिले और स्वामी विवेकानंद के विचारों की तो ये दुश्मन है, ये नहीं चाहते कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगे। इसीलिए उस समय के जो कुलपति थे उन सभी ने नहीं बनने दिया और लगातार वहाँ के छात्र धरना आंदोलन करते रहे कि ये मूर्ति इस परिसर में लगनी चाहिए क्योंकि विवेकानंद के विचार ही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते है, इस राष्ट्र को कार्ल मार्क्स या लेनिन या अन्य कम्युनिस्ट नहीं बढ़ा सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विचार नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू इतने झुके हुए थे वामपंथियों के सामने, कहने को तो वो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं लेकिन वो वामपंथियों के विचारों के सामने इतने झुके थे, खुद की राजनीति को वामपंथियों के सामने बेच दिया था, घुटनों तले आ गए थे। इसी के वजह से जेएनयू जो आज देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिस तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजों को और मुगलों को पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे इतिहास को भद्दा करने के लिए, हमारे इतिहास को बदनाम करने के लिए किया जाता है, ये जेएनयू और जवाहरलाल नेहरू की देन है। उन्हें खुशी हुई कि हमारे नाम से एक विश्वविद्यालय बन गया, वो खुश हुए लेकिन उनको पता था, ये बात उनको पता होते हुए उन्होंने जेएनयू खुलने दिया और वामपंथी प्रोफेसरों की को भरा वहाँ पे और पूरे के पूरे वामपंथियों का गढ़ जेएनयू हो गया, जो जेएनयू लगातार जब से बना है वो इस देश के कल्चर पे अटैक कर रहा है, संस्कृति पे अटैक कर रहा है। उसका पूरा लक्ष्य ही है कि इस देश की संस्कृति पे कुठारा घाट करे। वो लगातार विरोध करते हैं देश की संस्कृति का, देश की एकता और अखंडता का विरोध करते हैं। आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के एक छोर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी है। वहां से करीब 300 मीटर दूर स्वामी विवेकानंद की यह प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी जेएनयू के छात्रों को संबोधित भी करेंगे जिसका जेएनयू के फेसबुक पेज पर प्रसारण किया जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। वहीं जेएनयू के छात्र और शिक्षक इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्सुक हैं।
ये स्वागत योग कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है। लगातार 2005 से जो इंतजार था कि जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति लगाई जाए, अब वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है मोदी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में। आपको बता दें कि उधर छात्रों का एक गुट ऐसा भी है जो विरोध करने की तैयारी की है, जिसने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि विवेकानंद की मूर्ति न ले। सोचिए ये क्या प्रयास। इसीलिए मैं विरोध करता हूं इन वामपंथियों का, इन लोगों का, क्योंकि आप जब विवेकानंद का विरोध कर सकते हैं जिसने भारत की मर्यादा, भारत का सम्मान, भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया, तो आप समझ लीजिए कि ये किस तरीके से भारत को खंडित करना चाहते हैं और भारत का कुछ भी, भारत के कल्चर का, हिंदुत्व का जो भी है चीजें, ये सम्मान नहीं कर सकते हैं। 2005 में विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी तो उसी समय कुछ छात्रों के ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगवाने की भी गुजारिश की। जब जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी थी उस समय पे ये मांग उठी थी कि स्वामी विवेकानंद की भी मूर्ति लगाई जाए। आखिर परहेज क्या है आपको विवेकानंद की मूर्ति लगवाने से? अब उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया, लोग तैयार नहीं हुए, वहां के कुलपति ने साफ तौर पे मना कर दिया कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति ले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस उनको पैसा दे रही थी, इसलिए ये सिर्फ कांग्रेस के कहने पर चल रहे थे। वर्ष 2010 में भी ऐसा ही प्रयास पूर्व छात्रों द्वारा किया गया कि विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित हो पाए, लेकिन उस समय भी मनमोहन जी की सरकार थी, वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद 2014 में वर्तमान कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की नियुक्ति के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति से मुलाकात कर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने की गुजारिश की। ये नए कुलपति 2014 में ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद 2017 में इस प्रस्ताव को मान लिया गया, क्योंकि केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार जब थी उसने वही, उसी के चलते ये मना किया जा रहा था और कांग्रेस चाहती है कि ये हिंदुओं का वोट चाहती है। राहुल गांधी लगातार जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, भगवा चोला कभी कभी पहन के पाखंड भी करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई आप सबके सामने है किस तरीके से जनेऊ में एक भारत के महान पुरुष विवेकानंद की मूर्ति तक नहीं लगने दिए दे रहे थे वो। लेकिन मोदी सरकार आई और 2017 में इस प्रस्ताव को मान लिया गया। 2017 में प्रतिमा बनाने का काम शुरू हुआ, यह प्रतिमा 2019 में बनकर तैयार हुई, जिसका आज अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कांग्रेस के सदस्य और जेएनयू के छात्र सनी धीमान नाम है इसका, ये सोमवार को प्रतिमा अनावरण के विरोध में वीडियो पोस्ट करके छात्रों को भड़काने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, एहतियात के तौर पर प्रतिमा के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ये प्रतिमा भी तोड़ देते हैं। कुछ गुटों को छोड़ दिया जाए तो सभी छात्र प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उत्सुकता होनी भी चाहिए, आप सब में भी उत्सुकता होनी चाहिए। आप सब भी जेएनयू के पेज पे, फेसबुक पेज पे, जेएनयू के पेज पे आप जाइए, आप सब भी इस कार्यक्रम में सहभागिता कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।